नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। राष्ट्र का 74वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी कटनी जिले में हर्षोल्लास और उत्साह से मनाया गया। जिले में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह फॉरेस्टर प्लेग्राउंड में आयोजित किया गया। यहां सुबह ठीक 9 बजे कलेक्टर अवि प्रसाद ने ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली और प्रदेश की जनता के नाम मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन किया। इस अवसर पर आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया गया। स्कूली बच्चों ने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। गणतंत्र दिवस की 74वीं वर्षगांठ पर मुख्य समारोह में विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा अपनी उपलब्धियों एवं योजनाओं पर आधारित झांकियां भी निकाली गई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले में स्थित राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं स्थलों, शासकीय भवनों, कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं में ध्वजारोहण किया गया। जिला मुख्यालय में आयोजित मुख्य समारोह के साथ साथ अन्य विभाग, तहसील, विकासखंड, नगरी निकाय तथा ग्राम पंचायत स्तर पर गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किए गए और सम्मान पूर्वक राष्ट्रीय ध्वज फहराया। में जो है एक हिस्सेदारी का मौका दिया जाए और इसके लिए ऑनलाइन ऐप के माध्यम से वोटिंग हुई थी और बहुत ही हर्ष का विषय है कि 2000 से ऊपर वोट प्राप्त हुए हैं अलग अलग श्रेणियों में और उसका निर्णायक मंडल ने जो है उसका लगभग 25% वेटेज था और उसके आधार पर उन्होंने उनको मार्क्स दिए हैं और उत्साह आप देख सकते हैं। आज यहाँ पर 2000 से अधिक की भीड़ भी थी तो लगभग अधिकांश लोगों ने उस वोटिंग में जो है हिस्सा लिया। ये इस ऐप के जरिए जब लोग आए तो इससे क्या ग्राउंड में क्या क्राउड रहा, लोगों की भीड़ रही? क्योंकि देखिए भीड़ आप लोगों ने कवर किया, मुझे ऐसा बताया गया है कि फॉरेस्टर ग्राउंड में काफ़ी समय बाद जो है इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। इसका मतलब जो हमारा नवाचार था और कल पूर्व संध्या पे जो बैंड के माध्यम से हम लोगों ने शहर के दो मुख्य चौराहों पर प्रदर्शनी करके लोगों से अपील की थी कि वहाँ पुलिस बैंड के माध्यम से, उसका प्रयोग जो है वो सफल रहा और बड़ी संख्या में आज लोग आए। धड़ा धड़ा कितनी महत्वपूर्ण भूमिका आज। सबसे पहले तो मैं कटनी वासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इसके अतिरिक्त आज जो परेड हुई है यहाँ पर, वो मैं समझता हूँ कि पिछले 3 बार से मैं परेड देखता हूँ उसमें सबसे अच्छी परेड इस बार हुई है। 18 प्लाटून लगे हुए थे, बच्चों का उत्साह, इवन सीनियर ग्रेड का भी मेरे को देखने को उत्साह देखने को मिला और बच्चों ने और सभी ने सीनियर ने बहुत अच्छी मेहनत के साथ अपनी परेड का प्रेजेंटेशन किया। मैं परेड कमांडर दीपेश सिंह को भी ढेर सारी, डीएसपी साहब, डीएसपी को भी मैं ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ और अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ऐप के माध्यम से जो नवाचार शुरू किया गया, इसकी हमारी और कलेक्टर साहब की चर्चा हुई और कलेक्टर साहब की चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया कि जनता की भी भागीदारी इसमें बढ़ाई जाए और जनता की भागीदारी बढ़ाने का परिणाम ये आया कि लगभग 2000 से ऊपर लोगों ने क्या नाम है परेड के लिए कि कौन सा प्लाटून सर्वश्रेष्ठ है उसके लिए पार्टिसिपेट किया। ये अपने लिए बहुत गर्व की बात है और ये नवाचार जो शुरू हुआ है ये मैं समझता हूँ अब आगे भी जारी रहेगा।